टॉपिक इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन टॉर्क पर बात करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है रिजिड से मुराद ठोस या सख्त चीज़ होता है। तो ऐसी बॉडी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ए बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। इन अदर वर्ड्स अ रिजिड बॉडी इज़ द वन दैट इज़ नॉट डीफॉर्म्ड बाय फोर्स आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है कि जिसके अगर दो पॉइंट्स का कोई पेयर हो, तो जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो वो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासला बरकरार रहे, चेंज ना हो, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी हमारा आम मुशाहदा भी यही है कि जो सख्त और ठोस चीज़ें होती हैं, हम उन पर फोर्स अप्लाई करें तो उनकी शक्ल बदलती नहीं है, वो अपनी शक्ल को मुस्तकिल रखती हैं। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन दरअसल वो लाइन है जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है। तो वो लाइन जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। This line is called the axis of rotation of the body. Next, हमारी definition है टॉर्क की। The turning effect of a force is called टॉर्क or moment of the force. यानी किसी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं, और इसके लिए हम मोमेंट ऑफ फोर्स की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो यानी वो इफ़ेक्ट जिससे किसी बॉडी में रोटेशन पैदा होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक फोर्स और दूसरी मोमेंट आर्म की लंबाई जो है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ और टर्म्स। हम देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स से क्या मुराद है। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी वो लाइन जिस पर कोई फोर्स अमल कर रही होती है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। इस फिगर में लाइन बी सी जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स एफ की। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force. It is represented by the distance L. इस फिगर में देखें कि ये axis of rotation है, A complement, ये axis of rotation है और ये line of action है BC। इसके दरमियान जो red color में line दिखाई गई है ये moment arm है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, तो इसको हम एल से, कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं।
अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं, टॉर्क की तरफ। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। अभी जैसे हमने शुरू में बात की कि टॉर्क का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, एक फोर्स की मिकदार पर और दूसरा मोमेंट आर्म की लंबाई पर। ग्रेटर इज़ अ फोर्स, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। ग्रेटर इज़ द फोर्स यानी फोर्स बड़ी होगी तो टॉर्क की मिकदार ज़्यादा होगी। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। यानी अगर मोमेंट आर्म की लंबाई ज़्यादा होगी तो टॉर्क की मिकदार भी ज़्यादा होगी। दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स आर टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ द फोर्स हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद टॉर्क ही है, इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मोमेंट आर्म एल। इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे, टॉर्क यानी टॉ, ये टॉ एक लैटिन वर्ड है, अल्फ़ाबेट है जिसको हम टॉर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉ यानी टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, एफ से मुराद फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की मिकदार मालूम हो जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। जैसे कि हमने पहले देखा इक्वेशन में फोर्स और लेंथ दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो दोनों को मिलाएं तो न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट बन जाता है। टॉर्क ऑफ वन न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म वन मीटर लॉन्ग। यानी अगर एक न्यूटन की फोर्स लगाई जाए किसी बॉडी पे और मोमेंट आर्म जब फोर्स लगाई जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो फासला है वो एक मीटर हो, यानी मोमेंट आर्म की लंबाई एक मीटर हो और एक न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो वन न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अभी हम होमवर्क देखते हैं। ये आज का होमवर्क है, डिफाइन रिजिड बॉडी, व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, व्हाट इज़ मोमेंट आर्म, और डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स यूनिट। अभी इनके आंसर मार्क करते हैं। पहला सवाल डिफाइन रिजिड बॉडी का आंसर, ये सारा आप लिख लेंगे टॉपिक रिजिड बॉडी और ये सारा इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए हम इसका पहला पैरा यहाँ तक लिखेंगे, द लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ये सारा यहाँ तक पहला पैरा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ तक। और नेक्स्ट है व्हाट इज मोमेंट आर्म, तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, यहाँ तक। आगे लिखना चाहें इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस एल, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है टॉर्क की डेफिनेशन, वो हमें पेज नंबर 90 पे मिलेगी, ये पिंक बॉक्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, और इतना लिखने के बाद आगे पेज 91 पे लिखेंगे, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ, ये सारा पैरा लिखेंगे, बल्कि अगले पेज पे इसके यूनिट का आंसर भी है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, यहाँ तक इसको आप लिखेंगे भी और याद करेंगे। इसमें अगर आप काटना चाहें तो ये काट सकते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो सारा याद करें,
लेकिन इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये जो बीच में है, ग्रेटर इज़ अ फोर्स, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। इतना आप इसमें से काट सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।